हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं उज्ज्वल चित्रांश और मैं आप सभी का अपने अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं जिसका नाम है चित्रांश कॉमर्स क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है अपने इस वीडियो में वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स से रिलेटेड। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मींस अगर हम बात करते हैं तो हमारे अकाउंटिंग में जो बेसिक चीजें यूज होती हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पूरी अकाउंटिंग का जो बेस है वो है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये हमारा एक फंडामेंटल रूल है। अगर हम एक बात करते हैं कि इस रूल की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, तो मैंने कहा था कि अब हम लोग का जो आएगा वीडियो वो होगा रूल्स के बेसिस पे। So, रूल्स के बेसिस पे सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो होता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल और डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ये पूरा कॉन्सेप्ट आज हम लोग अच्छे से समझेंगे कि ये पूरा कॉन्सेप्ट है क्या और इसका यूज कैसे होता है। लेकिन इसके पहले समझते कि ये आया कहां से, और इसके बाद जो टॉपिक आएगा वही बस इतना टॉपिक तक हमें है जो पूरे अकाउंटिंग में रूल में अप्लाई करना है, क्लास फर्स्ट ईयर में, क्लास ट्वेल्थ में, बीकॉम, सीए, सीएस, कोई भी कॉमर्स फील्ड में अगर हम जाते हैं अपने एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए तो हमारे सिर्फ इतने ही रूल्स अप्लाई होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि अगर हमने कहा कि चलिए घर बनाइए आप, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं आप, नीचे एक बेस मजबूत करते हैं, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, जिसको बीम कहते हैं कि हमें इस पे ऊपर मकान खड़ा करना है। और ये जो मकान रुका रहेगा हमारा घर, ये क्या होगा, हमारे पिलर्स के ऊपर अच्छे से रुका रहता है। और ये जो पिलर्स हमारे यहां पर हैं, यही पिलर्स यहां पर कहे जाते हैं हमारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल के। तो जो सबसे पहला हमारा बेसिक रूल है जिसके ऊपर भी हमारे ये सारे रूल्स टिके रहेंगे, ये हमारा है फर्स्ट, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल और डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। ये होना चाहिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा, जैसा कि हमने यहां पर अभी आज का ये टॉपिक हम बता रहे हैं। इसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा रूल से रिलेटेड, लास्ट वीडियो हमारा होगा जो थर्ड वीडियो होगा, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे अपने बेसिक अकाउंटिंग रूल्स के बारे में। मीन्स हमारे जो अकाउंट्स होते हैं वो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट के टाइप्स के होते हैं। तो हम लोग जब पर्सनल, रियल, नॉमिनल का जब रूल एक्सप्लेन करेंगे, आज तो हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब हम पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल के रूल को एक्सप्लेनेशन करेंगे तो हम अभी बता दे रहे हैं, इस वीडियो को पूरा बहुत अच्छे से और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां पर अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से अगर आपका क्लियर हो गया तो फिर ये गारंटी है कि आपको अकाउंटिंग के किसी चैप्टर में भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इसी रूल्स के ऊपर हमारी पूरी की पूरी अकाउंटिंग की बुक रुकी हुई है, चाहे वो क्लास फर्स्ट ईयर हो, ट्वेल्थ हो, सीए करें, सीएस करें, बीकॉम करें, कोई भी चीज आप करेंगे। तो अब हम फंडामेंटल रूल्स की बात करते हैं। अगर हम हैं तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल, पहले हम जो वीडियो आने वाला है उसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दे दें ताकि आप इसके बेसिस से आप उसको रिलेट कर सकें, और दोनों वीडियो को आप कंपेयर करके एक साथ बहुत अच्छे से देखिएगा। तो जब हम उस वीडियो को अपलोड करेंगे तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तो यही बस तीन रूल अगर आपको क्लियर हो गए कि इस रूल के अंदर क्या है, इसके टाइप्स क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और ये किस तरह से कौन से अकाउंट्स पे अप्लाई किए जाते हैं, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे। अब हमारा जो सबसे स्ट्रांग पहले हम बनाना शुरू करते हैं वो होता है हमारा ये बेस। ये बेस जो हमारा है वो है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल का। अब ये जो हम इस कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को क्लियर करते चलेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहां पर सबसे पहले नोट किया एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एंड जस्ट इसके नीचे ही हमने मेंशन कर दिया डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। सो इट मींस व्हाट, कि यहां पर हम ये कहना चाहते हैं कि जो एसेट्स हमारा है इस एसेट्स का बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा, एंड लायबिलिटी प्लस कैपिटल इनके जो बैलेंसेस होते हैं वो क्रेडिट बैलेंस होते हैं। अब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्या है फिर। सो डेबिट एंड क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो हमारे अकाउंटिंग में रूल्स के ही अकॉर्डिंग यूज होता है। जो मैंने पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल का रूल लिखा था वो वहीं पे अप्लाई होगा। और इसको अनदर टर्म में भी कहते हैं कि हम अपने अकाउंटिंग में जब भी कोई भी प्रोसेस, कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास टू साइड्स इन्वॉल्व होते हैं, फर्स्ट इज लेफ्ट हैंड साइड एंड सेकेंड इज राइट हैंड साइड। जैसा कि क्लास टेंथ में भी आप लोग मैथमेटिकल टर्म में पढ़ते थे इक्वेशंस को इक्वल बनाने के लिए, वही टर्म हमारा यहां पर भी यूज होगा। तो जब भी हम अपने अकाउंटिंग के लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी अकाउंट्स की पोस्टिंग करते हैं तो उसे हम बोलते हैं अपने डेबिट साइड, एंड जब भी हम अपने अकाउंट के कोई राइट साइड में
किसी भी चीज को पोस्ट करते हैं सो वो होता है हमारा क्रेडिट साइड। सो ये हमारे साइड के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम कब डेबिट बोलेंगे एंड कब क्रेडिट बोलेंगे। और इसके अलावा एक और टर्म है कि डेबिट एंड क्रेडिट किस रूल पर फॉलो होते हैं, जैसा कि पर्सनल, रियल, नॉमिनल का मैंने बताया था, तो वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। तो अभी हम पहले इनका पूरा अच्छे से क्लासिफिकेशन एक बार देख लेते हैं और उसके बाद से फिर मैं आपको एक चार्ट भी दूंगा इसी वीडियो में। उस चार्ट के थ्रू क्या होगा, आपको ये हेल्प मिल जाएगा कि मैं ये बताऊंगा कि सारी चीजों के जो टर्म है तो डेबिट एंड क्रेडिट कब होते हैं और किस तरह से होते हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वो इस वीडियो में नहीं, हमारे नेक्स्ट वीडियो के लास्ट में आपको आराम से मिल जाएगा सारी चीजों का। सो हम सबसे पहले आते हैं अपने एसेट्स के टर्म पे। तो यहाँ पर जो डी आर एंड सी आर है वो डिनोट मैंने यहाँ पर लिख दिया है इसका एब्रीविएशन फुल फॉर्म में डेबिट एंड क्रेडिट। सो सबसे पहले जो हमारा आता है टर्म होता है एसेट्स। सो हम एसेट्स की जब भी बात करेंगे सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स, फर्स्ट इज करंट एसेट्स एंड द सेकंड टर्म इज नॉन करंट एसेट्स। मैंने सिंपल कॉन्सेप्ट में एकदम आपको समझाने की कोशिश किया है क्योंकि अभी आप स्टार्ट किए हैं कॉमर्स, तो अगर हम लोग बहुत टफ लैंग्वेज में अगर आपको बताएंगे तो हो सकता हो आपको ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसलिए एकदम सिंपल से सिंपल कॉन्सेप्ट एग्जांपल को मैंने निकाला है और उसके थ्रू मैं आपको यहां पर पूरा अपना टॉपिक क्लियर करूंगा। सो करंट एसेट्स की जैसे ही बात आए तो करंट वर्ड मीन्स होता है कि अभी तुरंत का, ठीक है ना, जैसे कहते हैं ना कि अभी तुम्हारी करंट में पोजीशन क्या है, करंट टाइम में तुम क्या कर रहे हो, कोई जॉब करता तो वैसे ना, करंट टाइम में तुम क्या, करंट मतलब इस समय अभी तुरंत, वही चीज यहां पर हम रिलेट कर देंगे। यहां पर करंट मींस होता है लेस देन वन ईयर। लेस देन वन ईयर मींस कैसे, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मींस ऐसी कोई भी एसेट्स। अब एसेट्स क्या होती है, तो हमारे पास जो भी अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास जो भी फर्नीचर्स हैं, कैश है, बिल्डिंग है, ये सब हमारे लिए क्या होते हैं, एसेट्स। हिंदी में कहते हैं हम संपत्ति। तो अगर हम बात करते हैं अपने घर की, तो हम जिस घर में रहते हैं वो घर हमारे लिए क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, संपत्ति जिसको कहते हैं। कहीं पापा ने जमीन ले लिया है तो वो जमीन हमारे लिए क्या होता है, प्रॉपर्टी, वो भी हमारी क्या है, एसेट्स है। सेम एज इट इज फॉर हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ हमारे एसेट्स होते हैं और ये एसेट्स टू टाइप्स के हो जाते हैं, फर्स्ट इज करंट एंड सेकंड इज नॉन करंट। सो करंट एसेट्स सिर्फ वही होंगे जो हमारे लेस देन वन ईयर में यूज होंगे, मींस हमारे एक साल के अंदर खत्म हो जाए। तो मैंने वन ईयर मैक्सिमम यूज किया है यहां पर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये पीरियड वन डे, वन वीक, वन मंथ तक में ही हमारे ऑल ओवर खत्म हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने बात किया कैश एंड बैंक की, फर्स्ट मैंने जो लिखा है वो है कैश एंड बैंक। अब कैश मींस क्या होता है, हमारे पॉकेट में पैसा रखा हुआ है या फिर बैंक में हमारे पैसा रखा हुआ, बैंक बैलेंस जिसको कहते हैं हम। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अपने बिजनेस में हम कैश भी रखते हैं और हमारे बिजनेस का बैंक में बैलेंस भी होता है, अकाउंट भी होता है। तो अब दोनों ही टर्म क्या होंगे, ये हमारे करंट एसेट्स के टर्म में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्यों आते हैं, तो जैसे कि अभी अगर हमारे पास कैश रखा हो बिजनेस में और अभी हमें पता चला हो कि हमारे बिजनेस में स्टॉक खत्म हो रहा है जिसका हम बिजनेस करते हैं, अभी हम इस टर्म पे आएंगे, स्टॉक की बात करेंगे। तो जिस प्रोडक्ट का हम बिजनेस करते हैं वो होते हैं हमारे स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। तो अगर हम उसे परचेस करना चाहें तो दूसरे टर्म्स अगर हम परचेस करते हैं तो कंडीशन क्या होती है फिर कि हम जाएंगे जब परचेस करने तो हम अपने पॉकेट से पैसा निकाल कर पे कर देंगे, ठीक है, या फिर अगर हमने किसी को गुड सोल्ड किया तो वो हमें पैसा देगा। तो क्या हो रहा है, ये इमीडिएटली ट्रांजेक्शन हो रहा है विद इन डे का, हमें आज तुरंत जरूरत थी तो हम गए सामान खरीदे, पैसा खर्च हो गया, ठीक है। पॉकेट में अगर 100 रुपए हम लेके घर से बाहर निकलते हैं, कोई भी अच्छी चीज दिखी तो हम उसे खा लिए, तो पैसा तो तुरंत खर्च हो गया, मीन्स उसकी लाइफ क्या है, बहुत कम है, ठीक है, और बहुत कम है, इसी वजह से ये क्या है, लेस देन वन ईयर है, वन डे, वन मंथ, वन वीक, सिक्स मंथ, वन ईयर, मैक्सिमम वन ईयर में ये मिनिमम खत्म हो जाते हैं हमारे। So, ये हमारे करंट एसेट्स होते हैं। सेम एज इट इज फॉर बैंक बैलेंस भी है कि अगर हम कैश में पेमेंट नहीं करते तो हमने चेक से पेमेंट कर दिया। कई बार देखा होगा बिजनेसमैन जो है वो चेक से ही पेमेंट करते हैं, तो वो पेमेंट कर दिए चेक से तो वो बैंक बैलेंस से कट गया पैसा। स्टॉक इन्वेंट्रीज के बारे में मैंने बताया, स्टॉक और इन्वेंट्रीज इनके अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो यहां पर स्टॉक और इन्वेंट्री वही होते हैं जो एक बिजनेसमैन अपने ऑर्गेनाइजेशन में जिस प्रोडक्ट का बिजनेस करता है फॉर सेलिंग एंड परचेजिंग, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारे लिए, स्टॉक और इन्वेंट्री होता है। स्टॉक और इन्वेंट्री की हमारी दो कैटेगरी होती है। यहां पर हम एक चीज बता देते हैं अब कि हमारे अकाउंटिंग में जो ईयर चलते हैं वो ईयर, जैसे अभी तक हम कहते थे तो ईयर जो हम बात करते थे तो आप लोग कहते थे क्या कि 1 जनवरी to 31 दिसंबर हम लोग के ईयर होते थे, लेकिन नहीं, हमारे अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता है। अकाउंटिंग में हम लोग 1 जनवरी से 31 दिसंबर नहीं कहते हैं। यहां पर हमारे ईयर टू टाइप्स के होते हैं, जो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं
उसे कहते हैं हम कैलेंडर ईयर, हम सी वाई से डिनोट कर दे रहे हैं कैलेंडर ईयर। ये जो कैलेंडर ईयर होता है हमारा, ये हमारा फर्स्ट जनवरी टू 31 दिसंबर तक होता है। और अब हमारे जो फाइनेंशियल टर्म में यूज होगा, जिसे हम अपने अकाउंटिंग पीरियड के नाम से जानते हैं या फिर हम इसे फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, ये जो हमारा स्टार्ट होता है ये होता है हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च का मीन क्या है कि आज का 1 अप्रैल और नेक्स्ट ईयर आने वाला 31 मार्च। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो अगर हमने कहा 1 अप्रैल को हमने बिजनेस शुरू किया और ईयर हमने ले लिया 2020 इसी साल, तो इसका एंड कब होगा, मतलब हम क्लोजिंग करके अपने बिजनेस की जो सारे टर्म्स हैं टू नो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस, वो किस डेट पे फाइंड आउट करेंगे अपने क्लोजिंग करके, 31 मार्च 2021। ठीक है, 20 एंड 21, तो ये ईयर दो दिख रहे हैं लेकिन ये है वन ईयर ही सर, क्योंकि अगर 1 अप्रैल टू 31 मार्च आप काउंट करेंगे तो आपको 12 मंथ ही मिलेंगे, 12 मंथ में हमारे टोटल वो वन ईयर हो जाते हैं। तो यहां पर एक और कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि यहां पर जैसे कि हमने लिखा 1 अप्रैल और यहां पर हमने लिखा स्टॉक एंड इन्वेंट्री, तो यहां पर हमारे अकाउंटिंग में टू टाइप्स के बैलेंसेस होते हैं। जो फर्स्ट टाइप हमारा होता है वो होता है ओपनिंग, और जो सेकंड होता है वो होता है हमारा क्लोजिंग। ओपनिंग मीन्स कि जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम हमारे पास जो भी एसेट्स हैं उनकी वैल्यूज क्या है, जो भी लाइबिलिटीज हैं उनकी वैल्यूज क्या है। और क्लोजिंग मीन्स क्या होते हैं कि अगर हम वही बुक्स को जब क्लोज करते हैं ऑन द डेट ऑफ 31 मार्च, तो ऑन दैट डेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आवर एसेट्स एंड लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा स्टॉक हमारा 1 अप्रैल 2020 को स्टॉक की वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते 1000 है, हम ये मान लेते कि हमने 1000 पैकेट बिस्किट्स बनाए हैं अगर, या चॉकलेट्स हमारे पास हैं, तो 1000 पैकेट अगर हमारे पास चॉकलेट हैं तो हम इसकी सेलिंग करते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्शन में तो करोड़ों की होते हैं लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिया हूं। अब हम क्या बात करेंगे कि जब हम 31 मार्च 2021 को अपने स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश किए तो पता चला कि 1000 में से हमने टोटल अप्रोक्स 800 के चॉकलेट्स, मतलब 800 चॉकलेट के पीसेस हमने सोल्ड आउट कर दिए, तो हमारे पास बैलेंस कितने बचे सिर्फ 200। 1000 में से जब 800 हमने सोल्ड आउट कर दिया तो बचे हमारे पास सिर्फ 200। तो जो हमने स्टार्ट किया 1 अप्रैल, जो 1 अप्रैल होता है इस 1 अप्रैल को हम हमेशा ओपनिंग बोलते हैं, और जो 31 मार्च होता है उसे हम क्लोजिंग बोलते हैं। तो यहां पर अब यही वर्ड चेंज होते हैं सारे, जैसे अब हम इसे कहते किस तरह से हैं ध्यान से आप लोग देखते चलिए। तो ये जो वर्ड होता है हमारा, तो फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल को स्टॉक की वैल्यू जो होगी तो उसे बोलेंगे हम ओपनिंग स्टॉक, 1 अप्रैल को इन्वेंटरी की जो वैल्यू होगी उसे हम बोलेंगे ओपनिंग इन्वेंटरी, और सेम एज इट इज 31 मार्च को जब स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कहेंगे ये है क्लोजिंग स्टॉक या फिर क्लोजिंग इन्वेंटरीज। ये हमारा एक टर्म हो गया। जो नेक्स्ट टर्म हमारा दिखता है विच इज ट्रेड रिसीवर्स, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ हमारे ट्रेड रिसीवर्स होते हैं, द फर्स्ट इज डेटर्स एंड द सेकंड इज BR, मैंने लिखा है फुल फॉर्म इज बिल्स रिसीवेबल। इसका भी पूरा एक चैप्टर है आपके अकाउंटिंग में क्लास फर्स्ट ईयर के, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नाम से, जिसमें हम लोग बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल का पूरा एक कॉन्सेप्ट है वो पढ़ते हैं। तो हम यहां पर अभी छोटा सा डेफिनेशन देके अपने इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। सो ट्रेड रिसीवेबल्स मींस क्या होते हैं, सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स मींस जब भी हम अपने प्रोडक्ट को, मींस हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं स्टॉक है, तो जब भी हम किसी दूसरे पर्सन को वो प्रोडक्ट क्रेडिट पे सोल्ड करते हैं। अब ट्रांजेक्शन्स टू टाइप्स के होते हैं, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स, फर्स्ट इज कैश ट्रांजेक्शन एंड द सेकेंड इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मींस जब भी हम गुड्स परचेस करेंगे सोल्ड करेंगे कैश में तो कैश ट्रांजेक्शन, और उधार में अगर खरीदते हैं तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहते हैं। सो जब भी हम किसी भी पर्सन को क्रेडिट में सोल्ड करते हैं, मैं यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं इस तरह से, क्रेडिट सोल्ड जब भी हम करेंगे तो हमारे पास बिजनेस में आ जाएंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। अब क्रेडिट सोल्ड करेंगे तो मींस व्हाट कि वो पर्सन जिसको हमने उधार सामान बेचा है वो क्या करेगा, हमको एक टाइम के बाद आके पैसा पे करेगा। तो फॉर एग्जांपल हमने किसी पर्सन को अगर गुड्स बेचा है 1 वीक के लिए 1 मंथ के लिए, तो वो हमें फिर आके जो पैसा पे करता है तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, डेटर्स।
ठीक है, डेटर्स भी बोल देते हैं, डेटर्स भी बोल देते हैं, वी को साइलेंट भी कर देते हैं, तो डेटर्स भी हो जाते हैं। सो उन पर्संस को हम क्या बोलेंगे, डेटर्स बोलते हैं। अब कंडीशन इज व्हाट कि जो डेटर्स होते हैं वो हमें पैसा पे कर दिए, तो दोनों ही क्रेडिट सोल्ड फिर कैसे हो गए, क्योंकि अगर क्रेडिट सोल्ड हम दोनों के लिए बोल ले तो फिर दो वर्ड क्यों आ गए, एक ही वर्ड से काम चल जाता फिर। तो अनदर वर्ड जो हमारा बिल्स रिसीवेबल यूज हुआ है, ये हमारा रिटन एग्रीमेंट के लिए यूज हुआ है। रिटन एग्रीमेंट, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि अगर हमने लोकल में, फॉर एग्जांपल अगर हम जिस सिटी में रहते हैं हमने सिर्फ उसी सिटी में अपना सामान बेचा, फॉर एग्जांपल मैं गोरखपुर में हूं, तो अगर हमने क्या किया, गोरखपुर में किसी पर्सन को अगर क्रेडिट पे उधार सामान बेचा है तो हम क्या करेंगे, उसको अपना डेटर्स मानेंगे, क्योंकि वो पर्सन को हम जान रहे होंगे ऑलरेडी। ठीक है, तो क्या कंडीशन बना कि उसने कहा कि मैं पैसा पे कर दूंगा, तो हमने कहा ठीक है, उसके ऊपर मैंने एक अपना क्रेडिट इनवॉइस नोट कर दिया कि हमने इसे उधार सामान बेचा है। नेक्स्ट टर्म इज बिल्स रिसीवेबल। अब बिल्स रिसीवेबल में क्या हुआ, हो सकता हम गोरखपुर में रहते हो लेकिन हमसे कोई गुड्स, अब हम किसी चीज का अगर बहुत बड़े डीलर होंगे तो हो सकता हमसे कोई गुड्स परचेस करने के लिए कानपुर से या लखनऊ से आएगा फिर, तो अब अगर इतनी दूर से अगर कोई पर्सन आ रहा है तो फिर हमें उससे पैसा रिसीव करने जाना होगा, उसे इन्फॉर्म करना होगा, हो सकता है वो पैसा दे भी ना, तो फिर हम वहां जाएंगे तो है नहीं उतना दूर, फिर हम उसे ढूंढे। ठीक है, बिजनेस का डिटेल्स हमारे पास होना चाहिए ना, कि जो पर्सन हमारे पास गुड्स परचेस करने आ रहा है उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो कितने रुपए का सामान परचेस कर रहा है, उसके मोबाइल नंबर, उसका सारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स हम नोट करते हैं। और जब ये प्रोसेस हम करते हैं क्रेडिट सोल्ड में, तो वो आ जाता है हमारा फिर बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल का कॉन्सेप्ट। मीन्स हम उसके ऊपर एक बिल लिखते हैं, जब भी हम किसी पर्सन को क्रेडिट पे सोल्ड करते हैं गुड्स, तो अगर कोई बाहर का है या फिर अगर कोई अननोन ट्रस्टी हमारा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर एक बिल नोट कर देते हैं और उस बिल में हम मेंशन कर देते हैं कि हमने इस पर्सन को अपना गुड्स बेचा है, उसका नाम, उसका एड्रेस, फिर किस डेट पर गुड्स बेचा है, वो पेमेंट किस डेट पर करेगा, ये भी हम उससे पूछकर उस बिल पर नोट कर देते हैं। और फिर जब वो डेट आती है तो फिर उस डेट से हम उसका पेमेंट का रिसीव कर लेते हैं। इसमें भी बहुत सारी कंडीशन होती है, 3 डेज का रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो जब वो चैप्टर पढ़ाएंगे हम पूरा तब अच्छे से और क्लियर होगा। तो सिर्फ अभी इतना कॉन्सेप्ट जानना है कि ये एक रिटन एग्रीमेंट है। तो इसे बिल्स रिसीवेबल एंड इसे बिल्स पेबल क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो पैसा रिसीव करने वाला है उसके लिए तो वो एसेट्स हो गया, तो वो बिल्स रिसीवेबल कहेगा, और जो पैसा पे करने वाला है उसके लिए तो वो लायबिलिटी हो जाएगा, तो उसके लिए बिल्स पेबल हो जाएगा। अभी हम लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, पहले एसेट्स हो जाए उसके पास। तो ये हमारा ट्रेड रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट हो गया। अब आफ्टर दैट हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस आ गए हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं, अब यहां पर एक्सपेंसेस जो होते हैं हम यहां पर 2 टाइप्स में क्लियर करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, और यहां पर देखिए मैंने एक और चीज लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो मैं इन्हें मार्क कर देता हूं, क्योंकि मैं अभी एक्सपेंसेस एंड इनकम मैंने नोट कर दिया है, लेकिन हम इनका अलग से भी क्लासिफिकेशन करेंगे जब ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो एक्सपेंसेस अच्छे से एक जगह पूरा अच्छे से और फिर इनकम का। तो मैं इसे मार्क कर देता हूं अपने लास्ट में जाने के लिए, ये दोनों ही टॉपिक हमारे लास्ट में आएंगे अब, ठीक है, क्योंकि हम इन्हें और अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे, पूरा आप लोग के हमेशा ये लाइफ में आना है, सो इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो मैं मार्क कर दिया हूं अभी इसको, लास्ट में पूरा अच्छे से इसका ब्रॉड एक्सप्लेनेशन होगा। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इसके बाद का टॉपिक हमारा है, ये क्या होंगे हमारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो जैसे कि हमने कहीं भी पैसा इन्वेस्ट किया, तो अगर हम कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मींस अगर हमने किसी को पैसा इन्वेस्ट किया, कहीं पैसा दिया, तो हमने कंडीशन क्या कहा कि हमने वो जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो विद इन 1 ईयर हमें मिल जाना है, जहां भी हमने इन्वेस्ट किया 1 साल के अंदर हमें वो पैसा मिल जाना है, तो वो हुआ हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो उस मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमने कहीं 100 रुपीज इन्वेस्ट किया, ठीक है, 1 जनवरी को, और हमें 31 जुलाई को वो पैसा मिल गया विद इंटरेस्ट, तो वो हुआ हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक, अब हम आते हैं अपने नॉन करेंट एसेट्स के टाइप पे। तो जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा नॉन करेंट एसेट्स, ये था हमारा लेस देन 1 ईयर, तो ये हो जाएगा हमारा मोर देन 1 ईयर। मोर देन 1 ईयर की बात करेंगे तो यहां पर हमारे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, द फर्स्ट टाइप इज फिक्स्ड एसेट्स एंड द सेकंड अनदर टाइप इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये हम तुरंत अभी क्लियर कर देते हैं, जैसा कि हमने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहा, सेम एज इट इज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। जब भी हम कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो विद इन ईयर अगर हमें मिलेगा तो हम कहेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और मोर देन 1 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट होगा तो वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। जैसे कई बार आप लोगों ने टीवी पर एड देखा होगा म्यूचुअल फंड्स का, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड टू द, जो भी हमारा लाइन है। तो अब इसमें कंडीशन क्या होता है कि अगर हमने
किसी इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा किया है, कहीं इन्वेस्ट किया है और वहां से जो हमें रिटर्न मिलने वाला है वो क्या है, वो वन ईयर के बाद मिलेगा, बेनिफिट वन ईयर के बाद मिलेगा। तो मिनिमम 5 ईयर 10 ईयर के लिए अगर हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया तो वो हमारे लिए हो जाएगा क्या, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जो नेक्स्ट टर्म हमारा है वो है फिक्स्ड एसेट्स का। फिक्स्ड एसेट्स में भी हमारे टू टाइप्स हो जाते हैं, द फर्स्ट टाइप इज टेंजिबल एसेट्स एंड द सेकेंड टाइप इज इनटेंजिबल। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल मींस सेम वही कॉन्सेप्ट है, अगर क्लास 10th में कंप्यूटर पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया होगा सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर में बताया गया होगा कि इसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, ठीक है। हार्डवेयर में बताया गया कि इसे हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। तो सेम एज इट इज फॉर हमारा यहाँ एसेट्स के भी लॉजिक से हम बताते हैं। सो टेंजिबल मीन्स क्या कि हम ऐसी एसेट्स की बात करते हैं जिन्हें हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं और वो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग, तो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी जमीन और उसके ऊपर, जमीन के ऊपर एक बिल्डिंग बनी होगी, उसी के ऊपर होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर हमने जमीन के ऊपर बिल्डिंग बनाया हो तो उसे एक साल के अंदर ही हम तोड़ के या फिर बेचकर चले जाएंगे, वो क्या होगा फिर, अब फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलता रहेगा, क्योंकि जब तक अब हम हैं तब तक हमारा बिजनेस है। तो 10 साल 20 साल 50 साल उसके बाद से हमारे आगे आने वाली न्यू जनरेशन उस बिजनेस को कंटिन्यू करती है। सो वो क्या हो जाते हैं हमारे लिए, फिक्स्ड एसेट्स हो जाते हैं। फिर फर्नीचर्स, फर्नीचर फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे घर में सोफा सेट्स रखे होते हैं, टेबल मेज कुर्सी जो भी हैं। तो कंडीशन क्या होता है अब कि अगर हमने अपने घर में कोई भी फर्नीचर अगर रखा है तो ऐसा तो है नहीं कि अगर हमने परचेस किया बढ़िया सा कोई सोफा सेट तो हमने उसे एक हफ्ते के बाद बेच दिया या फिर एक महीने का या फिर एक साल के बाद, तो ऐसा तो करते नहीं है। अब वो सोफा सेट कम से कम हमारा 5 ईयर तक आराम से यूज होता है, 3 ईयर्स 4 ईयर्स 5 ईयर तक यूज करते हैं नॉर्मली। थोड़ा सा अगर खराब होता है तो फिर उसे क्या करते हैं, हम रिनोवेट करा लेते हैं, थोड़ा सा उसमें एक्सपेंसेस करा के उसको थोड़ा सा ठीक करा लेते हैं और फिर वो आगे कंटिन्यू यूज होने के लिए फिर रेडी हो जाता है। सो वो क्या होता है, वो भी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, जैसे कि फर्नीचर। फिर एक नेक्स्ट मैंने लिखा है प्लांट एंड मशीनरी। तो फॉर एग्जांपल अगर हम किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें एक प्रॉपर मशीन की जरूरत पड़ेगी। और अगर हम कोई भी मशीन परचेस करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हमने आज परचेस किया, प्रोडक्ट बनाया और फिर हमने कल उसे बेच दिया, ये भी नहीं करते। हम उसे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक यूज करते रहते हैं क्योंकि वो हमारा प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। तो मोर देन 1 ईयर तक वो भी हमारी एसेट्स आराम से जाती है, 5 ईयर 10 ईयर्स तक। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक और दिखा देते हैं आप लोगों को। फॉर एग्जांपल क्या देते हैं, कंप्यूटर्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स जो भी होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स हो गए। अब यहाँ पर कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ये क्या होते हैं, इनकी भी लाइफ हमारी मोर देन 1 ईयर होती है। ऐसा तो है नहीं कि अगर किसी ने लैपटॉप खरीदा होगा या कंप्यूटर खरीदा होगा तो वो एक हफ्ते के बाद खरीदा और एक हफ्ते एक महीने बाद उसे बेच दिया, ऐसा तो कोई करेगा नहीं, ठीक है। हाँ, हो सकता है डिफेक्टिव हो जाए या खराब हो जाए तो उसे बेच दिया जाए, वो अलग केस है, लेकिन बिना किसी रीजन के हम किसी भी प्रोडक्ट को सोल्ड आउट नहीं करते हैं। तो इसकी लाइफ भी क्या होती है हमारी, मोर देन 1 ईयर ही होती है, इसलिए भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स ही होते हैं। एंड द नेक्स्ट इज इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स की बात किया जाता है तो यहां पर मैंने लिखा है गुडविल। सबसे पहले गुडविल इज व्हाट, गुडविल इज नोन एज द नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस, ठीक है, या फिर वैल्यू ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा फेमस है किसी प्रोडक्ट के लिए तो वो क्या है, वो उसकी गुडविल है, उसकी रेपुटेशन है सोसाइटी में। जैसे कहते हैं ना कि ये बिजनेस, अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है तो आप इसी शॉप से खरीदिएगा, तो ये क्या है, क्यों हम उस शॉप को बोल रहे हैं, क्योंकि उस शॉप ने मार्केट में अपनी गुडविल बनाई है, ठीक है, उसको रेप्यूटेटेड माना जाता है। ज्वेलरीज खरीदना अगर है तो कहेंगे अच्छा ज्वेलरी खरीदो जो एशप्रा से खरीद लो, ठीक है। अगर कपड़े खरीदना है तो अच्छा बढ़िया कपड़े किसके मिलेंगे, तो चलो लुइस फिलिप के खरीद लो, तो ये महंगे ब्रांड्स हैं। लेकिन क्या कहते हैं कि अगर जिसके पास पैसा है तो वो ऐसे ब्रांड्स को पहनेगा, जिसके पास नहीं तो वो उससे थोड़ा सा कम ब्रांड पहनेगा, लेकिन वो ब्रांड क्या होगा, वो ट्रस्टी होगा, वो ट्रस्टीशिप के अंदर में आएगा कि उस ब्रांड के ऊपर हमारा ट्रस्ट होगा कि ये ब्रांड अच्छा है, तभी तो उसकी गुडविल बनी है। तो जैसे कि अपने लाइफ में भी कहते हैं कि ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, तो क्यों कहते हैं अच्छा है, क्योंकि उसने अपनी गुडविल बनाई है अपने नेचर्स के थ्रू, अपने बिहेवियर्स के थ्रू। सो ये हमारा गुडविल का कॉन्सेप्ट होता है। द नेक्स्ट इज पेटेंट। तो पेटेंट भी क्या होता है हमारा, कि पेटेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है, अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है या फिर कोई भी ऐसी चीज जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वेंट करता है, फॉर एग्जांपल कि अगर उसने बनाया, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि किसी फार्मा कंपनी ने कैंसर का मेडिसिन बनाया, सो जिसने कैंसर का मेडिसिन बनाया जिस फार्मा कंपनी ने, उसने क्या किया, अपने नाम पर उस प्रोडक्ट को पेटेंट करा लिया। पेटेंट मीन्स होता है कि अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा लेना कि अब ये प्रोडक्ट सिर्फ हमारा है और इसे सिर्फ हम बेचेंगे और इसके अलावा
कोई नहीं बेचेगा। तो ये पेटेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिससे कि अगर कोई उस प्रोडक्ट का मिसयूज करता है तो क्या होता है, कंपनी उसके ऊपर क्लेम करती है, जिसको कहते हैं मान हानि का दावा करना कोर्ट में, तो उसके लिए पूरा रिटन प्रूफ होता है। द नेक्स्ट टर्म इज कॉपीराइट, ठीक है। तो कॉपीराइट का जो एग्जांपल है, तो ये तो सबसे मतलब मैं कहता हूं कि एकदम अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा एक ही चीज से, क्योंकि मूवीज सभी लोग देखते होंगे और हमारा अकाउंटिंग जो है ये बहुत ही, मैं इसको एग्जांपल्स के थ्रू, लाइफ के प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ही हम कॉपीराइट की बात करते हैं, तो कॉपीराइट के लिए एक ही दिमाग में आता है कि अपना अधिकार शो करना, ठीक है। और अधिकार शो करना मीन्स व्हाट, क्या हो जाता है हमारा, कि जैसे कि हमारे एग्जांपल कहते, तो एक मूवी आई थी ओ माय गॉड की, अक्षय कुमार की, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसमें जो लास्ट सीन में होता है, तो बाबा कहता है ना कि भगवान पर सिर्फ हमारा कॉपीराइट है। तो कॉपीराइट मीन्स व्हाट, कि वो शो करता है कि उनके ऊपर सिर्फ हमारा अधिकार है। तो जहां पर जिस भी चीजों के ऊपर अपना हम अधिकार शो करते हैं, वो हमारे लिए हो जाता है कॉपीराइट, ठीक है। तो ये हमारा कॉपीराइट का कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट लास्ट इज ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लोगों का काम करता है, ठीक है। जैसे हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पर्टिकुलर एक सिंबल होगा, एक ट्रेडमार्क होगा, जैसे ट्रेड और मार्क। ट्रेड हमारा बिजनेस है, जहां पे हम सेलिंग एंड परचेजिंग करते हैं। मार्क उसको शो करेगा कि ये हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एक कॉन्सेप्ट था, इनटेंजिबल, टेंजिबल और पूरा एसेट्स का रिलेटेड। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा लाइबिलिटीज के लिए। लाइबिलिटीज की बात करेंगे जब हम, जैसे तो लाइबिलिटीज में क्या होते हैं हमारे, देयर आर सेम थिंग है कि टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज, फर्स्ट इज करंट लाइबिलिटीज एंड सेकंड इज नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो अगर हम करंट लाइबिलिटी की बात करें, तो वैसे ही लाइबिलिटी जो हमारे लेस देन वन ईयर है। तो लाइबिलिटी की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, तो एन अमाउंट विच वी हैव टू पे इन फ्यूचर नोन एज लाइबिलिटी। कोई भी ऐसा अमाउंट जो हमें फ्यूचर में पे करना है, वो हमारे लिए लाइबिलिटी होता है। और ये कैसे आता है, जब हम कोई भी गुड्स क्रेडिट पे परचेस करते हैं, ठीक है, या फिर हम किसी से पैसा उधार लेते हैं या फिर लोन लेते हैं, जो भी बोरो करते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट कहते हैं, तो हम उसको बाद में पे भी तो करेंगे। तो जब हम उसे पे करने की बात करेंगे, तो फ्यूचर में करेंगे, और जब फ्यूचर में पेमेंट करते हैं, तब वो होती है हमारी लाइबिलिटीज, ठीक। अब जैसे कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्ट मैंने लिखा है इसमें लेस देन वन ईयर में बैंक ओडी। ओडी मीन्स होता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होता है, ये जो बैंक्स होते हैं, ये अपने बिजनेसमैन को, मतलब जो अपने कस्टमर्स होते हैं, जो बिजनेस अकाउंट मींस करंट अकाउंट ओपन करते हैं, उनको ये फैसिलिटी देते हैं कि अगर कोई बिजनेसमैन ने फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट को अगर सेल आउट किया है, तो उसने चेक अगर इशू कर दिया है, तो फॉर एग्जांपल किसी बिजनेसमैन के अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपीज है, ठीक है। यहां पर हम एग्जांपल के थ्रू बता देते हैं कि अगर किसी बैंक बिजनेसमैन के अकाउंट में 1 लाख रुपीज है और उसने जो चेक इशू किया है वो फॉर एग्जांपल 1,10,000 का इशू कर दिया, ठीक है। तो अब अगर ये नॉर्मल पर्सन करता, नॉर्मल अकाउंट होल्डर करता, तो फिर उसके ऊपर क्लेम होता। लेकिन बिजनेसमैन को एक फैसिलिटी मिलती है ओवरड्राफ्ट की, कि बैंक क्या करती है, उसके अकाउंट में तो सिर्फ 1 लाख है, लेकिन उसने चेक 1,10,000 का दिया है, तो 1 लाख का पेमेंट तो उसके अकाउंट से होगा और 10,000 का पेमेंट जो होगा बैंक अपने पास से कर देगी। फिर बाद में क्या होगा, वो उस बिजनेसमैन से वो पैसा रिकवर कर लेती है। तो वो भी क्या होता है, विद इन ईयर ही होता है, क्योंकि अगर आज बैंक ने पेमेंट किया तो तुरंत आज ही इन्फॉर्म कर देगी कि देखिए भाई साहब, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए था, आपने चेक 1,10,000 का दिया है, ठीक है, तो पेमेंट हम 10, तो बिजनेसमैन बोलेगा ये पेमेंट कर दो, माँ के अभी दे देंगे या कुछ दिन बाद दे देंगे, तो बैंक उसको वापस कर देता है विथ इंटरेस्ट, उसके ऊपर चार्ज कर लेता है। तो ये चीज हमारा कंडीशन हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए। नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल का भी कॉन्सेप्ट हमारा सेम वैसे ही जैसे अभी ट्रेड पेबल्स का, जैसे अभी हमने ट्रेड रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट देखा है, सेम यही चीज हमारी यहां पर भी यूज होती है। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर हमने कहा था कि जब भी हम किसी को क्रेडिट सोल्ड करते हैं तो ट्रेड रिसीवेबल आते हैं, सेम एज इट इज फॉर जब ऑपोजिट, जब भी हम किसी से गुड्स परचेस करते हैं, वो भी क्रेडिट पे, क्रेडिट परचेस हमने नोट कर दिया, तो वर्ड जो आएगा वो होगा हमारा ट्रेड पेबल्स। अब ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स क्या है, तो अगर हमने लोकल में, जैसे कहा लोकल में परचेस किए, गोरखपुर से है तो गोरखपुर से ही हमने क्या किया, सोल्ड किया, तो वो डेटर्स हो गए। और गोरखपुर से ही अगर हमने परचेस किया किसी दूसरे बिजनेसमैन से, तो वो हमारा क्रेडिटर हो गया। उसी तरह से अगर हम बाहर किसी के पास जाते हैं, तो वो हमारे ऊपर भी तो बिल लिखेगा, तो वो हो जाएगा बिल्स पेबल, क्योंकि हम पेमेंट करेंगे फिर, तो मेरे सारा नाम एड्रेस, क्योंकि जब हम किसी और के साथ करेंगे तो वही टर्म हमारे साथ भी तो दूसरा बिजनेसमैन वाला करेगा, वही कॉन्सेप्ट आ रहे हैं यहाँ पे।
नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन विच इज नोन एज कि हमने कोई भी ऐसा लोन लिया है जो कि विद इन वन ईयर हमें पेमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल पैसे की जरूरत थी, अपने किसी दोस्त से ले लिया, ठीक है, या फिर बैंक से लिया लेकिन फॉर अ शॉर्ट टर्म। तो बैंक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बहुत कम ही लोन प्रोवाइड करते हैं, मिलता है आप करना चाहे तो करते हैं। तो वन कहने का सेंस सिर्फ इतना है कि वन ईयर से कम, लेस देन वन ईयर में जब भी हम अपने लोन का पेमेंट करते हैं या लोन लेते हैं तो वो हमारा शॉर्ट टर्म लोन होते हैं। एंड द नेक्स्ट टर्म इज शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन मीन्स क्या होता है? प्रोविजन मीन्स क्या होता है कि जब भी हम पैसा सेव करते हैं फॉर अ नोन एक्सपेंडिचर, मीन्स ऐसे एक्सपेंडिचर या फिर लॉस जो हमको पता है कि फ्यूचर में ये होने वाले हैं, खर्चा हमारा होने वाला है, पैसा एक्सपेंस होने वाला है, और उसके लिए जब हम पैसा बचाना शुरू करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट आता है फिर प्रोविजन का। तो जब भी हम फॉर अ शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए प्रोविजन करते हैं, मीन्स पैसा बचाते हैं कि एक हफ्ते बाद हमें ये बाइक खरीदनी है, ठीक है, या कपड़े खरीदने हैं, तो हमने पैसा बचाना शुरू किया तो वो होगा प्रोविजन, क्योंकि हमें पता है कि ये पैसा खर्च कहाँ होना है, कपड़े खरीदने में। तो हमारे बुक में भी एक पूरा चैप्टर है प्रोविजन एंड रिजर्व, ये थ्योरी चैप्टर है, इसको जब वहां पे पढ़ाएंगे तो और अच्छे से वहां पे क्लासिफिकेशन होगा। अभी फिलहाल के लिए इतना ही जानना है कि हम नॉन एक्सपेंडिचर के लिए जब भी पैसा बचाएंगे, सेव करेंगे, तो वो होगा प्रोविजन, ठीक। नेक्स्ट हमारा नॉन करेंट लायबिलिटी लास्ट। इसमें हमने दिखाया है लॉन्ग टर्म लोन्स, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। प्रोविजन क्या है कहा, तो जैसे शॉर्ट टर्म मैंने कहा कि हम पैसा बचा रहे हैं फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, वन ईयर लेस देन के लिए, और जैसे ही वो वन ईयर से ज्यादा के लिए होगा तो वो प्रोविजन क्या हो जाएगा, फॉर अ लॉन्ग टर्म के लिए हो जाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। डिवेंचर्स की बात किया गया है, तो डिवेंचर्स हो गए, ये क्या होते हैं, इज अ टाइप ऑफ लोन। डिवेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन, क्योंकि ये फर्म जो है वो इशू करती है और अपने लोन को ये प्रोवाइड करती है। तो ये हमारा डिवेंचर है, ये लोन के टाइप्स हैं, एंड सभी का क्लासिफिकेशन आपके क्लास फर्स्ट ईयर में ही बिजनेस स्टडीज की बुक में आपको इसका चैप्टर मिलेगा थ्योरी बेस्ड, जहां पे आपको और अच्छे से इसके टाइप्स बताए जाएंगे कि डिवेंचर्स कितने टाइप्स के होते हैं, इनके फीचर्स क्या है, इनके क्लास। यहाँ न्यूमेरिकल में कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल में इसका कोई भी अभी ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं, लेकिन हाँ क्लास फर्स्ट ईयर में तो मैंने कह दिया बिजनेस स्टडीज में आपको सभी चीजें अभी से इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप अवेयर रहे और अभी से अपनी पढ़ाई को सीरियसली करते रहें, ठीक है। तो कंडीशन क्या हुई कि डिबेंचर की थ्योरी तो हम लोग यहां पढ़ लिए क्लास फर्स्ट ईयर में बिजनेस स्टडीज की बुक में, बट याद रखिएगा डिबेंचर्स के ऊपर पूरी की पूरी एक न्यूमेरिकल की बुक है, ठीक है, कंपनी अकाउंट नाम से, जो क्लास ट्वेल्थ में आप लोग पढ़ेंगे। क्लास ट्वेल्थ में आप लोगों को तीन बुक पढ़नी है अकॉर्डिंग टू डी के गोयल, हमारे जो राइटर हैं। तो ये पूरा हमारा एक न्यूमेरिकल का चैप्टर है, तो आप यहाँ पे थ्योरी पढ़ेंगे, वहां पे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे पूरा कॉन्सेप्ट। फिर हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स में वही आते हैं बैंक लोन्स, कि अगर बिजनेसमैन को पैसे की जरूरत पड़ी है तो उसने गया बैंक से लोन ले लिया, तो वो लॉन्ग टर्म लोन के लिए हो गया। अब ये हमारा सारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। जैसा कि मैंने कहा था कि हम वीडियो के लास्ट में एक्सपेंसेस इनकम को अच्छे से क्लासिफिकेशन करके उनको अच्छे से एग्जांपल के थ्रू हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो अब हम इसे इरेज करते हैं और अपने आप उस टॉपिक पर आते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स अगर देखते रहे, अगर आपको कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है इन केस में, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को, या फिर व्हाट्सएप पे हमें अपने प्रॉब्लम को भी मैसेज कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पर सारी में प्रॉब्लम आपकी कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट्स में होगी तो वो आपको सॉल्व आउट करूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम आते हैं अपने एक्सपेंसेस के एंड इनकम के टाइप्स के ऊपर। सो हम यहाँ पर इस तरह से मेंशन कर देते हैं, एक्सपेंसेस हो गए हमारे टू टाइप्स में, एंड हमारे यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं नीचे इनकम्स हो गए हमारे, ये भी हमारे टू टाइप्स के हो गए। अब यहां पर मैं इसे एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूं। तो मैं जैसे कि मैंने फर्स्ट एक्सपेंसेस लिखा है क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग, O/S मींस होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये हमारे दोनों एक्सपेंसेस के टाइप्स हो गए। अभी एक्सपेंसेस के और भी सारे वर्ड्स आते हैं, लेकिन मेनली अभी हमारा जो यहाँ पे यूज होना है सिर्फ वो यही दोनों वर्ड है, ठीक है। तो अब यहां पर हम नेक्स्ट टर्म बात करते हैं इनकम की। तो यहां पर हमारे हो जाएंगे एक्रूड इनकम, जैसा कि यहां पर मैंने लिखा है, एंड दूसरा होता है अनएक्रूड इनकम। अब इन्हें बहुत नामों से जाना जाता है, जैसे एक्रूड इनकम, ठीक है। तो एक्रूड इनकम मीन्स क्या होता है, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है ना। और यहां पर क्या होता है अनएक्रूड मीन्स इनकम ऑलरेडी रिसीव्ड या रिसीव्ड इन एडवांस, ये होता है हमारा अनएक्रूड इनकम। अब हम कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं, पूरा अच्छे से देखते हैं।
फर्स्ट मैंने नोट किया प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस इज नोन एज द पेमेंट इन एडवांस। किसी भी एक्सपेंसेस का पेमेंट हम एडवांस में अगर करते हैं तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपकी स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, ये सारी चीजें क्या होती है हमारी, ये एडवांस में पेमेंट होते हैं फीस के जो, ठीक है। जैसे कि स्कूल में पेमेंट होता है तो अभी क्वार्टरली या मंथली होना है तो क्या होता है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन उसके पहले ही हम पेमेंट कर देते हैं। ट्यूशन की फीस हम लोग देते हैं कोचिंग सेंटर पे, तो क्या होता है बच्चे जब भी हमें फीस देते हैं तो वो एडवांस फीस देते हैं, अभी मंथ स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन उस मंथ की फीस पहले आ जाती है, तो ये क्या होता है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो जो एक्सपेंसेस करने वाला बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन जब वो चीज करता है अपने बिजनेस के ऐसे एक्सपेंसेस को जो एडवांस में पेमेंट कर रहा है वो क्या होगा उसके लिए प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा। एलआईसी प्रीमियम इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है। अगर आप लोग एलआईसी प्रीमियम के बारे में जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो अपने घर में मम्मी पापा से आप जरूर पूछिएगा या भैया दीदी जो भी होंगे उनके पास जरूर एक ना एक एलआईसी प्रीमियम जरूर होगा या कोई भी लाइफ इंश्योरेंस जो हमारा होता है वो जरूर होगा, तो पूछिएगा तो आपको बताया जाएगा, बताएंगे वो कि इसका पेमेंट हम एडवांस में करते हैं, मतलब अभी स्टार्ट नहीं होता उसका पेमेंट हमेशा एडवांस में होता है, पूछिएगा तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसे हम और भी सिंपल वर्ड से कह सकते हैं। आउटस्टैंडिंग मींस होता है हमारा एरियर, एरियर या फिर हम कह दें तो ड्यू, ड्यू मींस क्या होता है बाकी। तो अब जैसे कि हमने कहा एक्सपेंसेस हमने एडवांस में पेमेंट किया तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, उसी तरह से अगर हमने एक्सपेंसेस पेड ही नहीं किया तो वो क्या हो गया एरियर हो गया, मींस आउटस्टैंडिंग। फॉर एग्जांपल हमें किसी को पैसा आज पे करना था लेकिन हमने आज नहीं पे किया, हमने उससे कहा भैया आज हमारे पास पैसा नहीं है आप पैसा कल ले लेना, तो अब कहेगा वो ठीक है भैया कल ले लेंगे या एक हफ्ते बाद ले लेना, तो एक हफ्ते बाद, तो मैंने टाइम गैप दे दिया ना। तो जैसे ही मैंने लायबिलिटी का डेफिनेशन कहा ना एन अमाउंट विच वी हैव टू पे इन फ्यूचर, तो हमें आज एक्सपेंसेस पे करना था, उस एक्सपेंसेस को हम आज पे ना करके हमने क्या किया फ्यूचर में पेमेंट डेट दे दिया, तो वो हमारे लिए तुरंत क्या बन गया लायबिलिटी विच इज नोन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कि ऐसे एक्सपेंसेस जिन्हें हमें फ्यूचर में पेमेंट करना है। नेक्स्ट आते हैं अपने इनकम के टर्म पे, एक इनकम हमारे एसेट्स और दूसरा इनकम हमारा लायबिलिटी। सो एक्रूड मींस इनकम रिसीव्ड, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव हो गया, तो यहां पर क्या होता है कंडीशन हमारा कि हमने इनकम जो है अर्न कर लिया है लेकिन रिसीव नहीं किया, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव। तो अब कंडीशन क्या बनी कि हमने जॉब बिजनेसमैन है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कोई इनकम अर्न किया लेकिन अभी तक उसे रिसीव नहीं किया है, तो रिसीव नहीं किया है तो रिसीव करेगा फ्यूचर में, और फ्यूचर में रिसीव करेगा तो भाई उसके पास पैसा आएगा तो उसके लिए एसेट्स का काम हो जाएगा। दूसरी चीज अनएक्रूड, जस्ट ऑपोजिट कि उसने पैसा एडवांस में ले लिया तो यानी फ्यूचर में उसको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे होता है ना ऑफिस में पैसे की जरूरत पड़ती है तो जाके कहते हैं बॉस से कि हमें सर पैसे की जरूरत है, पैसा मुझे सैलरी मुझे एडवांस में दे दीजिए, तो वो तो पेमेंट कर दिए लेकिन अब हमें उसके लिए जॉब करनी पड़ेगी वो भी बिना पैसे के क्योंकि हमने पैसा एडवांस में ले लिया, तो विच इज नोन एज लाइबिलिटीज। तो ये हमारा एक पूरा सिंपल सा क्लासिफिकेशन था पूरा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का, जिसमें आपका ये पूरा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्लियर हो जाएगा। और एक वर्ड और आ जाता है, जैसा कि मैंने कहा एसेट्स का टर्म पूरा हो गया, लाइबिलिटीज का टर्म हो गया, कैपिटल मींस सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि जब भी एक बिजनेसमैन एक बिजनेस स्टार्ट करता है तो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसे चाहिए कैश, एसेट्स, लाइबिलिटीज सब चाहिए, मींस स्टॉक। तो वो एक पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो पूरा सेटअप करता है तो उसमें उसके जो भी इन्वेस्टमेंट होंगे वो क्या कहता है कि उसके लिए कैपिटल, जैसे कहता है ना कि ये मेरी पूंजी लगी है बिजनेस में, उसने अपनी पूंजी लगा के शुरू किया, तो पूंजी मतलब वही है कैपिटल, कि उसने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया, बैंक बैलेंस रखा, स्टॉक लगाया, फिर दूसरी चीजें खरीदा और फिर कुछ उधार लिया किसी से, लायबिलिटी भी बनाया और उसके बाद से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो सब उसके लिए क्या हो गए कैपिटल हो गए। तो ये हमारा एक सिंपल सा पूरा सा एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड कैपिटल का पूरा कॉन्सेप्ट था जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग के रूल में पूरा हमेशा आएगा। अब इसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट रूल आएगा वो हमारा गोल्डन रूल्स ऑफ कॉमर्स आएगा, जिसमें हम पर्सनल रियल नॉमिनल पूरा क्लासिफिकेशन टाइप्स के साथ एग्जांपल्स के साथ रूल्स के साथ और वो रूल्स किस तरह से यूज होते हैं हमारे पूरी अकाउंटिंग में यहां से होगा। तो बच्चों इतना बस कहना है कि आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा जिससे कि आपको इस पूरे रूल का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, और जो मैं एक लास्ट और रूल बताने वाला हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसे आप अच्छे से देखिएगा। तो वीडियो आपको रेगुलरली अपडेट मिलते रहे अच्छे से, इसके लिए आपको करना क्या है, आप सबसे पहले अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा,
और उसके बाद से चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके अपने नोटिफिकेशन को अलाउ कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी अपडेट रेगुलर मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स अब आप पढ़ाई करिए अपने लॉकडाउन पीरियड में, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करिएगा या फिर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।